सबकी लाइफ में बहुत से काम ऐसे रहते हैं जो नेवर एंडिंग होते हैं और साथ ही साथ अनकाउंटेबल भी रहते हैं, और हम होम मेकर्स के लिए घर का काम उन नेवर एंडिंग कामों में सबसे नंबर वन पे रहता है। बट उन नेवर एंडिंग काम को हमें मैनेज करना आना चाहिए, वो हम पे डिपेंड होता है हम उनको कितनी आसानी से कर देते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं वही छोटे छोटे टिप्स जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट टिप्स आपके साथ आज शेयर करूंगी। आई होप आपको वो बहुत ज़्यादा पसंद भी आएंगे और आपकी रोज़मर्रा की लाइफ में हेल्पफुल भी रहेंगे। और ज़रा से भी अगर वो आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो आज की इस वीडियो में सबसे फर्स्ट टिप मेरी आप सभी के लिए यही रहेगी कि डेली की क्लीनिंग तो हम होममेकर्स करते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ 5 से 10 मिनट एक्स्ट्रा ज़रूर निकालिए ताकि आप उसमें किसी एक्स्ट्रा पार्ट की क्लीनिंग कर सकें, और वो भी उस कंडीशन में जब आपके पास कोई हेल्पर ना हो। अगर हेल्पर नहीं है तो पूरा बर्डन अपने ऊपर लेने की क्या ज़रूरत है। तो सबसे पहले आप इस टिप को फॉलो कीजिए, 5 से 10 मिनट डेली निकालेंगे तो आपको क्या होगा कि आपकी कबर्ड्स, आपके वार्डरोब सभी क्लीन रहेंगे हमेशा। स्पेशल डे आपको बुक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दूसरी टिप मेरी आपके लिए ये है, जैसा आप सभी जानते हैं मैं हर बार आपको बताती हूँ कि किसी भी वेस्ट मटेरियल को फेंकने से पहले, उसको वेस्ट कहने से पहले आप 1000 बार सोचिए कि आप उसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये बॉक्स कब के सेट में आया था, मैंने संभाल के रखा था कि कभी तो मैं इसको यूटिलाइज़ ज़रूर करूँगी, तो आज फाइनली ये यूज़ हुआ है। ये ब्लैक पॉलिथीन में मेरे काफ़ी सारे कलर्स रखे थे और जिसके कारण वो मुझे कभी कभार ना याद भी नहीं रहता था कि मैंने वो कहाँ पे रखे हुए हैं। तो मैंने क्या किया, ये ब्लैक पॉलिथीन से निकाल के मैंने सभी कलर्स अपने इनबॉक्स में डाल दिए। अब ये मेरे सामने रहेंगे, उससे मेरा टाइम भी सेव होगा इनको ढूंढने में और ऑर्गेनाइज भी अच्छे तरीके से हो जाएंगे। तो नेक्स्ट टिप ये है कि हम सभी के बच्चे स्कूल जाते हैं या एक्स्ट्रा बैग्स हम लोग परचेज़ करते हैं, तो उन सभी को ना आप संभाल के रखिए, अगर वो आपके काम के हैं तो, नहीं तो आप वो किसी नीडी पीपल को दे दीजिए, एटलीस्ट वो लोग उनको यूज़ करेंगे तो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। डॉक्यूमेंट्स तो हम सभी के घर में रहते ही हैं, चाहे वो डॉक्टर से रिलेटेड हो, बैंक से रिलेटेड हो या फिर कोई ऑफिशियल पर्पज़ से रिलेटेड हो। तो इस तरीके का फोल्डर मैं हमेशा अपनी कबर्ड में ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि छोटे छोटे बिल्स हो गए और भी काफ़ी डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी स्पेशल फाइल हम नहीं बना सकते, तो आप इस तरीके के फोल्डर में उनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि वो आपको कभी भी अगर ढूंढना पड़े तो आपको मालूम होगा कि वो आपको इसी फोल्डर के अंदर मिलेंगे, तो आपका टाइम वहाँ से भी सेव हो जाएगा और आपकी चीज़ जो है वो भी ऑर्गेनाइज रहेगी। नेक्स्ट खास बात ये है कि जब आप फाइल्स को मतलब क्लीनिंग कर रहे हैं उनकी, तो आप ये चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिए, कोई भी ऐसा फोल्डर या फाइल आपकी निकलती है जिसमें डॉक्यूमेंट्स आप उनको फेंक चुकी हों और वो फोल्डर आपका खाली हो, तो आप उसको किस तरीके से रीयूज़ कर सकते हैं। देखिए, ये वाला मेरा बैंक का फोल्डर था, इसमें से बैंक के डॉक्यूमेंट्स जो थे वो एक्सपायर थे, तो मैंने उनको थ्रो कर दिया है, फेंक के थ्रो किया है। इसके अंदर जो मेरे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं सेव करके रख दूंगी। और एक ख़ास बात और आप ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा, जब भी कोई डॉक्यूमेंट आप थ्रो करते हो तो उसको हमेशा बहुत अच्छे तरीके से फाड़ के यानी कि टियर करके ही फेंकिए, नहीं तो आप उनको जला दीजिए, क्योंकि पर्सनल इन्फॉर्मेशन उनके ऊपर होने की वजह से वो कई बार मिसयूज़ भी हो जाती हैं, तो इस चीज़ का आप खास ध्यान ज़रूर रखिएगा। तो देखिए, ये वाला फोल्डर भी हमारा यूज़ हो गया।
उधर हम लोग देखते हैं कि देखो हमारी जो डॉक्टर्स की फाइल रखी है, क्योंकि ईयरली हम लोग ज़रूर चेकअप लेते हैं, आप लोग भी ज़रूर लीजिए ईयरली बेसिस पे, क्योंकि उससे हमें आने वाली बीमारी का पता लग जाता है कि अगर कोई बीमारी होती है पहले ही तो हम लोग उसको क्योर कर सकते हैं। तो जो बिल मुझे ऐसा मेडिकल का लगता है कि वो वेस्ट है, अभी फेंकने वाला है, तो उसको भी मैं ऐसे फाड़ के फेंक दूंगी और जो फाइल है उनको फिर से रख लूंगी ताकि वो किसी और पर्पस में मैं यूज़ कर सकूं। सबके घरों में काफ़ी सामान आता है, गारमेंट्स आते हैं, तो अगर उन गारमेंट्स में आपको इस तरीके का पॉलिथीन बैग यानी कि प्लास्टिक कवर मिलता है तो उसको सेव करके रखिए, क्योंकि वो आपका कभी भी आपको काम आ सकता है। जैसे मेरी ये जो पुरानी फ़ोटोज़ थी वो बहुत इधर उधर बिखरी हुई पड़ी थी, एल्बम में नहीं लगाई हुई थी, तो मैंने आज इस फोल्डर में यानी कि इस कवर में इनको डाल के रख दिया है, और इनके अंदर जो ये टिच बटन लगे हुए हैं ये लॉक का काम करेंगे, वो मिसप्लेस भी नहीं होंगी, तो मुझे जब भी चाहिए होंगी मैं यहाँ से ले सकती हूँ, और मेरा दूसरा एल्बम का पैसा भी उससे सेव हो गया। और घर के अंदर डायरीज तो इतनी है ना कि आपको क्या बताऊँ, छोटी डायरी बड़ी डायरी और एक के ऊपर एक रखने की वजह से वो नीचे गिर जाती हैं। अगर हमें कोई नीचे से डायरी उठानी है तो उसके लिए ऊपर वाली डायरीज को पहले हमें हटाना होगा, तो उसके लिए आज मैं कर रही हूँ एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन, शायद वो आपको ज़रूर पसंद आएगा। उससे हम लोग इजीली अपनी डायरीज को देख सकते हैं हमें कौन सी डायरी चाहिए और कौन सी डायरी हमें मतलब का यूज़ में लेके आनी है, उसको आप फर्स्ट नंबर पे रख सकते हैं। वेस्ट कंटेनर एक कार्डबोर्ड का ये वाला स्वीट में आया था, मैंने संभाल के रखा इसको भी, और इसके ऊपर वॉलपेपर मैंने इस तरीके से स्टिक कर लिया, नीचे वाले पोर्शन पे नहीं किया क्योंकि एनी हाउ इस तरीके से हमें उसको रखना है तो वो पोर्शन दिखने वाला है नहीं। ऐसे अगर आप अपनी डायरीज को खड़ा करेंगे तो आप आसानी से अपनी डायरी जो आपको यूज़ में लानी है पहचान सकते हैं और दूसरी डायरीज भी उसके चक्कर में नहीं गिरेंगी। साथ ही साथ मैं इसके अंदर एक पेन भी रख दूंगी जिससे मुझे इसको मतलब अगर कभी भी मुझे चाहिए ऑन द स्पॉट तो मैं ये यूज़ में ला सकूँ, पेन मुझे ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। और इस तरीके के जो हैंडी फाइल्स होती है ना बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है, मैं आपको रिकमेंड करूँगी परचेज करने के लिए, आप कहीं भी जाएँ इनको कैरी कर सकते हैं। इसमें आप अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जैसे पासपोर्ट, आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स, आपके बैंक डॉक्यूमेंट्स वो आप रख सकते हैं। और इस कंटेनर की जो मैंने बनाया है ऑर्गेनाइज़र की, सबसे स्पेशल बात ये है कि आपने वार्डरोम में अगर रखा है ना, आपको एक डायरी चाहिए तो आप कंटेनर को आगे की तरफ करेंगे और वो अपना आसानी से डायरी निकाल पाएंगे, बाकी चीज़ों को डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप ये आइडियाज़ आपको मेरे अच्छे लगे होंगे और इन आइडियाज़ को यूज़ करके आप अपनी लाइफ को आसान ज़रूर बनाएंगे। तो इसी वीडियो के साथ यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।